हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीएटी वर्सेस एमआईटी मेजर लीग बेसबॉल के मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में, और दोस्तों जो फाइनल टीम होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए मास्टर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों अब बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा डीटी यानी कि टाइगर्स के बारे में। तो दोस्तों टाइगर्स ने अभी तक 131 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 62 में विन और 69 यानी कि 69 मैचों में लॉस का सामना किया है। तो हमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी ठीक ठाक ही टीम है, ज़्यादा खराब टीम नहीं कह सकते। मैं वही बात करूँ एमआईटी यानी कि ट्विंस के बारे में। तो ट्विंस ने 130 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 57 में विन और 73 यानी कि 73 में लॉस का सामना किया है। और मेरा मानना है दोस्तों, हमारे लिए इस मैच में जो कॉम्बिनेशन होगा सबसे बेस्ट वो 5-4 का ही होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी खासी भी नहीं है, लेकिन जो टाइगर्स है वो काफ़ी ठीक ठाक है ट्विंस से। तो मैं चाहूँगा कि मैं टाइगर से ज़्यादा प्लेयर उठा के चलूँ ट्विंस से, इसीलिए मैंने इस मैच 5-4 का कॉम्बिनेशन बना लिया है, जो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ड्रीम टीम देने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में किस ऑफल्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हम काफ़ी अच्छा खासा अर्न करें। तो बात करूँ सबसे पहले ऑफल्डर के बारे में। तो दोस्तों ऑफल्डर सेक्शन में आपके लिए ज़्यादा अच्छे खासे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने 5 इनफील्डर उठा लिए हैं। ग्रोसमैन के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो ग्रोसमैन दोस्तों पिछले मैच का परफॉर्म का डाउन जरूर था, लेकिन काफ़ी बड़े और एक्सपीरियंस प्लेयर, 8 पॉइंट डाउन भी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है। मैं तो ग्रोसमैन मतलब प्लेयर को देखते हुए ये परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन है, लेकिन 8 पॉइंट किसी भी बेस बॉल मैच में काफ़ी अच्छे खासे हैं। कैप्रो का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही था दोस्तों, 8 के आसपास ही पॉइंट थे इनके पिछले मैच के अंदर। तो मेरा मानना है कि आज की मैच डी टी यानी कि ड्रीम टीम को देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं आपको 6 टीमें ग्रैंड लीग की देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनफील्डर के बारे में बात करूँ तो पोलांको के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा प्लेयर दोस्तों इस मैच का होने वाला है, क्योंकि जिनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी खतरनाक चल रहा है दोस्तों पिछले कुछ, अभी गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैचों से उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऊपर होता आ रहा है, इसीलिए मैं आज की मैच इनको अपनी टीम में कैप्टन लेके चलने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आप देख लेना कि मैं तो इनको अपनी टीम में आज कैप्टन कन्फर्म रखूँगा ही रखूँगा। तो मेरा मन है कि आज भी आप इनको कैप्टन लेके चल सकते हैं। अगर मैं 6 टीमें बनाता हूँ तो मैं 2 टीमों में इनको कैप्टन रखूँगा, और 11 टीमें बनाता हूँ तो 3 टीमों में इनको कन्फर्म कैप्टन रखूँगा ही रखूँगा। और जो 6 टीम और 11 टीम होगी वो आपको रिस्पॉन्स के ऊपर होगी। इस वीडियो के बाद आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, ठीक ठाक कमेंट आते हैं, तो मैं दोस्तों कन्फर्म आपको 11 टीमें दूंगा, नहीं तो 6 टीम आपकी कन्फर्म बनने वाली है। डोनाल्डसन के बारे में बात करूँ दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा और बड़ा था पिछले मैच के अंदर, इस मैच में भी डी टी यानी कि ड्रीम टीम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपनी टीम के लिए उठा के चलने वाले हैं। दोस्तों मैं बात करूँ कैस्ट्रो के बारे में, तो कैस्ट्रो का परफॉर्मेंस भी पिछले मैच में काफ़ी बड़ा और अच्छा खासा था, तो इनका परफॉर्मेंस है दिन बर दिन काफ़ी अच्छा खासा होता जा रहा है, पिछले लगातार 5 मैचों से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और उसके बाद इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था। एक मैच इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला था, इसलिए इनका परफॉर्मेंस उस मैच में काफ़ी अच्छा खासा नहीं आया था। और दो जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट के आधार पर मिलेगी। इस वीडियो के बाद मैं स्टैट निकालूंगा, और स्टैट निकालने के बाद ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको सानो के बारे में, तो सानो का जो परफॉर्मेंस था उनका भी काफ़ी अच्छा खासा होता आ रहा है, आप चाहें तो अपनी टीम में इनको वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पोलांको दोस्तों आप अपनी टीम में कैप्टन, और दोस्तों आप सानो को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी स्टैट के ऊपर होता है, कैस्ट्रो भी आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक ही ऑप्शन है। अब दोस्तों बात करूँ स्कोप के बारे में, तो मैं इनको अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि जिनका सिलेक्टेड परसेंटेज हुआ वो काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलेगा, और जो इनका सिलेक्टेड परसेंटेज हुआ वो भी काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है, और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा अगर इन्हें आज के मैच में प्ले का मौका दिया जाएगा तो। और इनको ही मैं अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ। दोस्तों पिचर की बात करूँ तो टर्नबल आपके लिए दोस्तों काफ़ी बड़े और अच्छे खासे ऑप्शन है अगर प्ले का मौका दिया जाएगा तो, क्योंकि पिछले मैच से प्ले नहीं कर रहे थे। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप मतलब अभी लाइनअप आउट हो जाएगा, वीडियो में जल्दी पोस्ट कर दूंगा, मतलब कुछ आधे घंटे पहले कर दूंगा लाइनअप आने से। तो लाइनअप आने के बाद आप मुझे कहते हैं कि इसमें तो 2 प्लेयर प्ले भी नहीं कर रहे होते हैं, एक बात खुद सोच के देखिएगा, मैंने पिचर केवल एक उठा सकते हैं, आप सभी को पता होगा जो बेसबॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम केवल एक पिचर को उठा सकते हैं, और चॉइस देखिए कितनी ज़्यादा है। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कितनी ज़्यादा चॉइसेस है, मेरे हिसाब से 50 के आसपास आराम से है। तो 50 चॉइस में दोस्तों आप खुद सोच के देखिए मैं कितने किसको उठाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ हेट मत स्प्रेड कीजिए दोस्तों प्लीज़,
कैसर के बारे में बात करूँ दोस्तों, गार्नियर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था पिछले मैच के अंदर, 6 पॉइंट कलेक्ट किए थे फर्स्ट मैच और आज के मैच इनको प्ले का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसर एज अ कैसर आपको उनको अपनी टीम में लेकर चलना है क्योंकि उनका सिलेक्टेड परसेंटेज होगा वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों गार्नियर और जैफर अगर इनको प्ले का मौका दिया जाएगा तो हम इनको भी अपनी टीम में उठा के चल सकते हैं क्योंकि जो जैफर है आपके लिए काफ़ी बड़े और अच्छे खासी ऑप्शन है। इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग जो एज अ कैचर MIT के ट्विन से खेलते हैं वो लगभग जयपुर ही खेलते हैं। तो वो कंटिन्यू करते हैं, तो अब बात की जाए सबसे मेन मुद्दे कैप्टन और वॉइस कैप्टन के बारे में कि हम किसी कैप्टन किसको वॉइस कैप्टन बनाए। दोस्तों मैं वॉइस कैप्टन को बता सकता हूँ कैप्टन पोलांको को और वॉइस कैप्टन मैंने स्कोप को ट्राई किया है, बाकी स्टैट के ऊपर होता है। स्टैट आएगा, स्टैट के आधार पर ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको 1% भी लिटरली 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम टीम का प्रयोग कर लेते हैं एक बार, आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 2 आउटफील्डर 5 इनफील्डर 1 पिचर एक कैचर को उठाया है। तो दोस्तों हम इसको सेव कर देते हैं। दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।